इस वक्त हम नोएडा फेस 3 के बहलोलपुर इलाके में मौजूद हैं और अगर हमारे पीछे आप देखें तो यहाँ तकरीबन 300 से 400 झुग्गियां थी जिसमें तकरीबन 2 बजे के लगभग अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग जो है वो पूरी जो आसपास की झुग्गियां थी सब में फैल गई। आप देख पा रहे हैं जो आग कितनी भयानक थी। दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में लगी हुई थी। तकरीबन 2 घंटे बाद किसी तरह से आग पर थोड़ा बहुत काबू पाया गया है। अगर आप देखें तो ये जो हिस्सा है इस हिस्से में काफी ज्यादा झुग्गियां थी। इसमें 2 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। क्या जानकारी, कितने बजे आग लगी, कितने लोगों की मौत? लगभग 1:30 बजे लगी आग जी। हाँ, और दो बच्चे यहाँ डेथ कर गए। अच्छा, जो एम्बुलेंस में लेकर चले गए। अच्छा, और क्या, और लोग भी फंसे हुए? हाँ, बहुत। वो कसम फायर ब्रिगेड 1 घंटे बाद आग लगने के बाद 1.5 घंटे बाद एक लेडी, 3 बच्चे तो मिल ही नहीं रहे। नहीं, कितने झुग्गी यहाँ पर? झुग्गी तो 1000 है। 1000। हाँ, संख्या को लेकर अभी जैसा कि दिल्ली जो यूपी पुलिस है, नोएडा पुलिस है, उसका कहना है कि तकरीबन 200 से 300 झुग्गियां हैं। बताया जा रहा है, जो अंदेशा जताया जा रहा है कि सिलेंडर में पहले आग लगी है, उसके बाद देखते ही देखते आग फैल गई है। दूसरे हिस्से में भी हम दिखाना चाहेंगे। सब कुछ जल करके राख हो चुका है यहाँ पर। अभी तक जो कंफर्मेशन आई है, जो 2 छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 2 से 3 साल के लगभग की रही होगी, वो आग में झुलस करके उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि जब बच्चे सो रहे थे उसी वक्त ही हादसा हुआ था। अगर आप देखें तो ये जो पूरा इलाका है जल करके राख हो चुका है। यहाँ पर झुग्गियां थी और उसके अलावा कबाड़ की कुछ दुकानें भी थी, तो सब कुछ जल करके राख हो चुका है। और इस हादसे में ये जो आग लगी थी इसमें 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां अब भी यहां पर मौजूद है। यूपी पुलिस, नोएडा पुलिस यहां पर अभी भी मौजूद है। ये इलाका बहलोलपुर गांव पड़ता है। आसपास कई बड़ी सोसाइटीज हैं और यहीं पर जैसा कि बता रहे चश्मदीद की तकरीबन 2 बजे के आग लगभग ये आग लगी है और 200 से 300 यहां पर झुग्गियां थी जो जल करके खाक हो चुकी है और उसमें 2 बच्चों की मौत की जानकारी अभी तक मिली है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव का काम जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां यहाँ पर लगातार आग बुझाने का काम